पेप्सी या कोका कोला, सचिन या विराट, मेसी या फिर रोनाल्डो, दोस्तों ये वो नाम है जिसे लेकर आज भी दोस्तों के बीच बहस चलते रहती है। इसके अलावा दो नाम और भी हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, सैमसंग या फिर एप्पल, दोनों में से कौन है बेस्ट, चलो ना फिर करते हैं टेस्ट। दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर तीसरे इंसान के पास सैमसंग का फोन है, लेकिन मार्केट में आज भी सबसे ज्यादा क्रेज आईफोन का है। लोग आईफोन 12 के बाद 13 का वेट तो ऐसे कर रहे थे कि घर में कोई छोटा भाई आने वाला है। वही अगर बिक्री की बात करें तो आईफोन ने एक साल में करीब 19.3 मिलियन मोबाइल बेचे थे, तो वही सैमसंग ने लगभग 74 मिलियन मोबाइल बेचे थे। लेकिन यहाँ सबसे मजे की बात तो ये कि आईफोन का डिस्प्ले, A4 चिप और फ्लैश मेमोरी खुद सैमसंग बनाता है, और जहाँ एप्पल अमेरिका के GDP में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, वही सैमसंग कोरिया के GDP में लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर क्या सैमसंग बड़ा है? लेकिन अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखें तो सैमसंग 5वें नंबर पे आता है और एप्पल पहले नंबर पे। तो क्या एप्पल बड़ा है? भाई साहब यहाँ तो बार बार बाजी पलटती जा रही है। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों में इंडियन मार्केट का बॉस कौन है ये देख लेते हैं। अगर भारत की बात करें तो आईफोन सिर्फ 4% लोगों के पास है, तो वही सैमसंग आसमान की ऊंचाई पर है। सैमसंग का फोन भारत में 16% लोगों के पास है। तो क्या सैमसंग बड़ा है? अरे नहीं भाई, सैमसंग बड़ा नहीं है बल्कि सस्ता है। भारतीय बाजार में अगर आप आईफोन लेने जाओगे तो आपको कम से कम 40 से 50 हजार लगेगा, वही सैमसंग सिर्फ 7 से 8 हजार में मिल जाएगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस में कौन अच्छा है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैमरा क्वालिटी। आईफोन और सैमसंग के कैमरा क्वालिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो आईफोन के कैमरा क्वालिटी का कोई जवाब नहीं। एक सैमसंग के मोबाइल का कैमरा अगर 48 मेगापिक्सल है तब भी वो आईफोन के 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा की बराबरी कभी नहीं कर सकता। ऑप्टिमाइजेशन, एप्पल अपने फोन का हार्डवेयर खुद डिजाइन करता है और जो सॉफ्टवेयर आईफोन में होता है वो भी उसने खुद बनाया है। एंड्रॉइड में क्या होता है कि गूगल ने एंड्रॉइड तो बना दिया लेकिन किसी एक डिवाइस को टारगेट करके नहीं बनाया, बल्कि एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया जिसे आईफोन को छोड़कर सारे कंपनी के फोन इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से एंड्रॉइड के सारे फोन आईफोन के तरह स्मूथ नहीं चलते। अब मेरे भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह यहाँ भी है, कुछ चीजों में आईफोन अच्छा है तो कुछ चीजों में सैमसंग। वैसे इन दोनों में आपके पास क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।